मोनिका इंडिया किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ऑयल फ्री करेले की भुर्जी। आइए तो हम करेले की भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। करेले की भुर्जी बनाने के लिए मैंने ये दो करेले ले लिए हैं मीडियम साइज के। ये बिल्कुल फ्रेश करेले, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको ये आगे पीछे से इनको थोड़ा थोड़ा काट के और इनको ग्रेट करूंगी। ये देखिए मैंने इसको ऐसे ग्रेट कर लिया है। ये मेरा कच्चा करेला है। अगर अब आपका करेला पका हुआ है तो आप उसको ऊपर ऊपर से आप इसका ये पार्ट ग्रेट कर लो, और जो नीचे का पार्ट, जो ऐसे नीचे का पार्ट निकलता है उसको फिर आप मत ग्रेट करो, क्योंकि अगर पका हुआ होगा तो वो ग्रेट होगा ही नहीं। ये देखिए इसमें मैं बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं करूंगी, ये ऑयल फ्री भुर्जी बनेगी करेले की। अब मैं इसमें डायरेक्ट ये करेला डालूंगी पैन में, ये सारा करेला इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूंगी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कच्चा साबुत जीरा, थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये सेंधा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक डालिए, क्योंकि हम लोग सेंधा ही नमक यूज करते हैं। सब मसालों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और जो गैस का फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे, और स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करते हुए 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको ऐसे पकाएंगे। अब मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर रखी है। अब मैं इसको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है इसको, ये देखिए। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। भुर्जी बनकर तैयार है, ये देखिए। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया। ये देखिए मेरे करेले की भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको बनाएं, और करेला आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शुगर वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खाने में कड़वी होगी, बट शुगर वाले और थायराइड वाले इसको जरूर खाएं सुबह शाम डेली, एक एक चम्मच खाने के साथ इसको लें। किसी को स्किन प्रॉब्लम है या पेट में कीड़े हैं, ये डाइजेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसका लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।